काफी विशालकाय है और काफी सीधा है भाइयों, कोई भी ऐब की या किसी बिदकने चमकने की कोई शिकायत नहीं है और ना ही भैया जी से बुग्गी बुग्गी में चलाते ना भैया, सिर्फ स्पेशली सीमन के लिए ही तैयार किया है ये देखो। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं बैनीपुर गांव में पहुंचा हूं और सामने से आप देख रहे हो झोटा बलवान, जो हमारे साथ ऑनर खड़े हैं इसके, कुलदीप भैया जी, इन्होंने तैयार किया है और काफी शानदार झोटा है भाइयों ये देखो। और भाइयों इनके गांव के बारे में बता दूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की तहसील स्याना में पड़ता है और अपने यूपी में शायद ही कोई ऐसा झोटा होगा। भैया जी ने बहुत ही सराहनीय वर्क किया है और सीमन के लिए तैयार किया है स्पेशल झोटा। तो भाइयों झोटा देख लो पहले, इस झोटे के बारे में पूरी पूरी जानकारी लेंगे भैया जी से, एक बार मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। ये देखो भाइयों आगे से पीछे तक काफी शानदार खुर पैर से और कोई भी लादे वादे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल शानदार स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर है ये देखो। और गहरे काले सुन कलर का है भाइयों, प्योर मुर्रा है। तो जानेंगे इसके बारे में क्या उम्र है झोटे की, कब से तैयारियां चल रही हैं इस पे। तो पहले तो सामने से भैया जी से मिलवाएंगे। अच्छा नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। तो भैया जी एक बार पूरे बढ़िया तरीके से अपना नाम पता और एड्रेस बता दो दर्शकों को। मेरा नाम कुलदीप। हाँ। गांव बैनीपुर। हाँ। जिला बुलंदशहर जी। तहसील शाना जी। ब्लॉक बीवी नगर से। अच्छा तो जैसे भैया जी आपका झोटा देख पा रहा हूँ अभी मैं, इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो कवर की थी और अभी फिर कर रहा हूँ, तो इसके बारे में एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दो। ये एक तो मुर्रा नस्ल का प्योर मुर्रा नस्ल का है। हाँ। युवराज का ये सीमन था। हाँ। इसकी माँ का दूध 23+23 था। 23+23। अच्छा। चूरू जिले से आई थी। अच्छा। ये इसकी हाइट लेंथ। हाँ। 6 फुट इसकी हाइट। 6.5 फिट। 6.5 जी। और लंबाई 17 फुट है। 17 फिट लंबाई और 6.5 फुट हाइट लेंथ। 17 फुट। अच्छा इसके अगर वजन के बारे में बात करें तो क्या वजन होगा अभी फिलहाल? 13 क्विंटल है। 13 क्विंटल वजन है। 6 दांत है। अच्छा। 3.5 साल का। 3.5 साल का जी। भाइयों 6 दांत है और मात्र 3.5 साल का झोटा है ये देख लो, और स्पेशली सीमन के लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि यूपी में जो है ज्यादातर हमारे जो किसान साथी हैं वो इस चीज पर विशेष गौर नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ तक कि हरियाणा पंजाब में ज्यादा ये शौक है पशु को अच्छा रखने का, सीमन पर ज्यादा काम करने का। तो हमारे यूपी से भैया जी उभर के आए और बहुत ही सराहनीय वर्क कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद पहला ही झोटा होगा ये, और कोई झोटा है नहीं ऐसा जो इतने शानदार दिखने में हो या किसी ने तैयार किया हो किसी किसान साथी ने। तो जैसे सीमन की क्या तैयारियां चल रही हैं जी? सीमन की बहुत जल्दी इसका अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा जल्दी ही अवेलेबल करा देंगे। ये जी हरियाणा भी गया था अभी। अच्छा हरियाणा भी लेके गए। हाँ, तो हरियाणा के लोग बाग ने भी काफी पसंद करा था। काफी पसंद किया। हाँ। जी हाँ, इससे पहचान बनने लगी भाइयों। और भी काफी चैनल है हमारे, राहुल भाई राहुल सिवाज चैनल पे भी इसकी वीडियो पड़ी है, आप चाहो तो विजिट कर लेना वहाँ पे, और कीमत भी काफी लग चुकी है। अच्छा जैसे वहाँ पे गए थे अभी पीछे हरियाणा में, एक दो मेलों में और गए होंगे, तो वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिला है? वहाँ से मिला कि उत्तर प्रदेश का एक पहला बुल था जो हरियाणा गया था। हरियाणा गया था जी। इससे पहले कोई बुल नहीं था वहाँ के, जो थे। हाँ। उन्होंने बताया था उत्तर प्रदेश का ये पहला बुल है। पहला बुल है। उत्तर प्रदेश में कोई है ही ना, क्योंकि रुझान ही ना पब्लिक को इस तरफ। तो भाइयों मैं जो अपने चिकित्सक भाई हैं, डॉक्टर हैं पशुओं से संबंधित, उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसानों को सलाह दें कि सीमन पे वर्क करें, जिससे कि आगे किसानों को भी कहीं ना कहीं उचित लाभ मिल सके इस बारे में। क्योंकि यूपी में देख पा रहे होंगे कोई भी किसान साथी इस चीज पे वर्क ही ना करना चाह रहा, बस ऐसे ही जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है पशुओं का वही सिस्टम लागू है, जहां तक कि हरियाणा के जो किसान है वो कहीं ना कहीं ज्यादा संपन्न है, क्योंकि हरियाणा में कई सारे बुल हैं जो आज की डेट में खूब नामी बुल हैं, उभरते सितारे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक कड़ी ये जुड़ी है और भाइयों ये भी किसी से कम ना है, ये देख लो काफी शानदार है और प्योर मुर्रा। अच्छा मुर्रा की एक पहचान और बताओ, क्योंकि कुछ किसान साथी ये कह दें कि जी प्योर मुर्रा ना है या वो चीज है, तो थोड़ी सी पहचान किसानों को ये और बता दें। हाँ, बिल्कुल भाइयों देख लो, नीली चमड़ी है। हाँ, बिल्कुल नीली जीव है इसकी जी। इसके पुट्ठा देखो, पुट्ठे की बिल्कुल बनावट बनावट बिल्कुल नहीं तो बाजी पीछे सुकड़वा पुट्ठा जी जी जी, चौक और पुट्ठा इसका जी, बिल्कुल चमड़ी बहुत नीली चमड़ी, बहुत हल्की चमड़ी जी, इसके रेंच है जी वह देखो, बिल्कुल भाइयों देख लो एक एक नसें दिख रही हैं और काफी
बिल्कुल प्योर मुर्रा अच्छा, है प्योर ये मुर्रा देख लो। नसल का, इसमें कोई भी सफेद एक दो बाल देख लो भाई, कोई ऊनी है सफेद। हाँ, क्योंकि मुर्रा में जहाँ कहीं अगर सफेद धब्बा आ गया तो फिर मुर्रा से वो कहीं ना कहीं आउट हो जाता है। और भाई वो देख लो बिल्कुल 6 फुट के लगो, ये देख लो भाई हाइट देख लो। अच्छा भैया जी आपकी क्या हाइट होगी एक बार? मेरी 5.5 से 5.5 से प्लस है हाइट। और ये देख लो भाई क्या हाइट ले रहा है छोटा, काफी शानदार। और कोई कमर में बीच में कोई लादा लादे की शिकायत नहीं है। और बाकी 6 दांत है तो एक बार दांत और कवर कराएंगे। ये देखो भाई बिल्कुल 6 दांत झोटा है। अभी तो नया ही है, आगे चल के और अच्छा मतलब रिकॉर्ड बनाएगा, ऊंची हाइट भी लेगा भी लेंथ भी लेगा। अच्छा लंबाई की बात करें तो कितनी होगी झोटे की आगे से पीछे तक? 16-17 फुट के लगभग जी भाई। वो देख लो झोटा। और जल्द ही सीमन तैयार करा रहे हैं भैया जी, सभी जगह अवेलेबल कराएंगे ऑल इंडिया। और अपने क्षेत्र में जितने भी सीमन तैयार करवाने की है, हमारे क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे बुल पैदा हो, बुल पैदा हो जी भाइयों। यही भैया जी ने सोच के काफी सराहनीय वर्क किया और बहुत मेहनत की है। ये ना भाइयों मेहनत ना लगती, बहुत तगड़ी मेहनत लगती है इन चीजों पे। एक बार थोड़ा इसका डाइट चार्ट के बारे में और बताएं। इसका 10 किलो दूध। हाँ, इसका ड्राई फूड है। अच्छा अच्छा जी। और ये मिनरल मिक्सचर है, फर्मिटेज है। हाँ, आदि पावर घी है इसका। अच्छा। और ये रातव है चना चोकर, ये इसका रातव है 8 किलो। अच्छा, हरा चारा जितना भी खा पाता है। बढ़िया डाइट दे रहे हैं। हाँ, तो इसका कोई रिजल्ट देखा अभी तक आपने? इसका 1-4 महीने का बच्चा है। अच्छा है जी। हाँ, वो बन जाएगा। अच्छा, एक बच्चा है। हाँ, वो भी थोड़ा बीमार चल रहा है। अच्छा, बीमार है। हाँ, लेकिन आने वाले भविष्य में जो इसके रिजल्ट आएंगे मैं भी देख रहा हूँ, काफी शानदार रिजल्ट लेकर आएगा ये। अच्छा, कुछ इसे घुमाते फिराते भी हो? हाँ, इसको 5 किलोमीटर सांझ को डेली घुमाते, डेली घुमा के लाओ। हाँ, क्योंकि घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है इसकी फिटनेस के लिए जी। भाइयों देखो पैरों की बनावट देखो एक बार आप, ये देखो कुछ खुर बिल्कुल मिले। हाँ, बिल्कुल मिले हुए, काफी शानदार है ऊपर से नीचे तक। और मात्र 3.5 साल का बता रहे हैं भैया जी। 6 दांत झोटा है, प्योर मुर्रा, ये देख लो भाइयों, बहुत मेहनत करके तैयार किया है। अच्छा, इसकी माँ और बाप के रिकॉर्ड के बारे में एक बार फिर बताएं दर्शकों को। युवराज का तो बेटा है। हाँ, युवराज का। इसकी माँ राजस्थान चूरू जिले से आई थी जी, 23+23 का दूध था, 23+23 के दूध के रिकॉर्ड की। भाइयों बेकार है, काफी अच्छे मतलब सीमन से तैयार किया गया बुल है ये भी, युवराज का है भाइयों। और काफी अच्छा रिजल्ट निकालेगा। इसकी माँ का जो रिकॉर्ड था वो 23 किलो प्रतिदिन का था दूध का। और आप बुल भी देख सकते हैं, ये देखो। तो भाइयों हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भैया जी ने जो मेहनत की है वो सफल हो, इसलिए भाइयों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पता लग सके कि हाँ अपने यूपी में भी हमारे कुलदीप भैया हैं जो जिन्होंने बहुत ही शानदार बलवान नाम से एक बुल तैयार किया है। और भविष्य में भाइयों इसका जो रिजल्ट आएगा मैं कहता हूं कि डिक्टो 100% आएगा और किसानों को भी शानदार लाभ होगा। ये देखो भाई हाइट वेट लेंथ हर जगह से काफी शानदार, स्ट्रेट बॉडी स्ट्रक्चर काफी बढ़िया। एक बार चला के और दिखाएं भाई साहब, ये देखो भाई काफी विशाल काय है और काफी सीधा है भाइयों, कोई भी ऐब की या किसी बिदकने चमकने की कोई शिकायत नहीं है। और ना ही भैया जी से बुग्गी बुग्गी में चलाते ना भैया, सिर्फ स्पेशली सीमन के लिए ही तैयार किया है। ये देखो काफी शानदार। तो भाइयों ये थी वीडियो शानदार बलवान बुल की, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। और भाइयों फिर से रिक्वेस्ट है कि कुलदीप भाई ने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं सफल हो, इसलिए वीडियो को अधिक से शेयर करना।